छोटी माँ चाहे कुछ भी बोले, लेकिन अगर आपने इतनी बड़ी बात कही है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर होगी। हाँ बाबा, कोई ना कोई वजह तो जरूर है। वजह वही है ओमकार और रुद्र, जो मैं शिवाय को बता चुकी हूँ, और मुझे सच में लगता है कि शिवाय को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। सारी बातें अच्छी हैं, केवल एक खराबी है, झूठ कहे तो पकड़ी जाए, सच्ची मेरी भाभी है। भाभी जब आंखें सच बोलती हो ना, तो जुबान से झूठ नहीं बोलना चाहिए, पकड़े जाते हैं। सच यही हो भाभी, वो अरे सच्चे तो मेरे सर पे हाथ रख के बोली, अभी हम ये नहीं जानते कि बात क्या है, लेकिन ये जरूर जान गए हैं कि कोई बात है। उस दिन आपने मुझे गुडलक चौल से फोन किया था, तब भी आप बहुत परेशान थी, लेकिन उस दिन आपने मुझे बताया नहीं और ना ही मैंने पूछा अभी, लेकिन आज आज मैं पूछ रहा हूं। अभी बात क्या है बताइए। कौन सी माँ, कैसी माँ, नहीं है मेरी माँ रे, वो शिवाय की भी उमा मादा माँ नहीं है, नहीं 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 है, नहीं। मुझे पता है कि शिवाय मेरा बच्चा नहीं है, शिवाय नाजायज है। दोनों के होते आपके आंखों से सिंह पुत्र लाना था दोनों पे। अब प्रॉब्लम बताओ, सॉल्यूशन निकल जाएगा। अभी प्लीज बताइए, अभी बताइए। बोलिए भाभी प्लीज। शिवाय, शिवाय क्या, शिवाय भाभी, शिवाय क्या, रुद्र और ओंकार शिवाय से कभी कुछ नहीं छुपाते, ये बात इन्हें पता चल गई तो शिवाय को भी पता चल जाएगी, और फिर ऐसा रायता फैलेगा कि समेटना मुश्किल हो जाएगा। भाभी प्लीज बताइए बात क्या है। भाभी बताइए, बोलिए भाभी, शिवाय क्या, प्लीज बताइए प्लीज। भाभी बोलिए बात क्या है। मेरी कसम का, जो मैं अभी तुम दोनों को बताऊंगी, तुम शिवाय को नहीं बताओगे। अभी ऐसी कौन सी बात है जो भैया से छुपानी पड़ेगी। मेरी कसम खाओ ना प्लीज। ठीक है भाभी, नहीं बताएंगे शिवाय को। खाओ मेरी कसम। आपकी कसम। मुझे शिवाय के बारे में एक सच पता चला, अगर वो सच शिवाय को पता चल गया ना तो वो टूट जाएंगे। शिवाय, शिवाय शक्ति अंकल के बेटे हैं, लेकिन शिवाय, लेकिन क्या भाभी, शिवाय
पिंकी आंटी के बेटे नहीं है। शिवाय शक्ति अंकल की और कामिनी आंटी की नाजायज औलाद है। और माही शिवाय का जुड़वा भाई मजाक किया है। भाभी किसी ने आपके साथ मजाक किया है या तो झूठ बोला है। मैं ये नहीं जानता कि किसने आपसे ये कहा है और मैं ये जानना भी नहीं चाहता, लेकिन प्लीज 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 ये बात दोबारा इस घर में मत दोहराइएगा। छोटी पिंकी आंटी ने मुझे ये बात बताई। अगर ये बात सच है तो इट्स ओके। भाइयों का रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि छोटी सी सच की ठोकर लग जाए और निखर जाए। स्ट्रॉन्ग इससे पहले भैया को कोई और बताए, मैं खुद जाके भैया को बता दूंगा। तुम पागल हो क्या? कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? तुमने शिवाय को कुछ बोल दिया तो बहुत रहता फैल जाए। कि भाभी ये बात एक ना एक दिन और जरूर आएगी। सच छुपता नहीं है, बता देते हैं। शिवाय बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तुम, प्लीज कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम है ना भाभी, हम शिवाय को संभालेंगे, आप चिंता मत कीजिए। भाभी आपको पता है जब मैं बच्चा था ना, भैया अपनी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाते थे। मैं लड़खड़ाता था, वो मुझे संभाल लेते थे। अब अगर वो लड़खड़ाएंगे हम उन्हें संभालेंगे। हाँ शायद बेटा जायज नाजायज हो सकता, लेकिन भाई भाई हमेशा भाई रहता है और रहेगा। शिवाय हमारा भाई है और रहेगा। हमारा जो रिश्ता है ना वो खून पर नहीं, प्यार और भरोसे पर है। हम भाई थे, हम भाई हैं, हम हमेशा भाई रहेंगे। कोई ब्लड रिपोर्ट, कोई डीएनए टेस्ट हमारे रिश्ते पे मोहर नहीं लगा सकते। तुम दोनों मेरी बात नहीं समझ रहे हो ना। खून कांदा शिवाय की जिद नहीं है, उनका वजूद है। और अगर शिवाय को पता चल गया कि उनके नाम खून कांदा में ताके तो उनका गुरूर टूट जाएगा। और अगर मेरे शिवाय का गुरूर टूट गया तो मेरे शिवाय टूट जाएंगे, पूरी तरह टूट जाएंगे। प्लीज अभी प्लीज 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 तुम दोनों शिवाय का गुरूर मत टूटने दो। प्लीज उनसे उनका गुरूर मत छीनो प्लीज। और तुम दोनों ने मुझसे वादा किया था, मुझसे वादा किया, कसम खाई है मेरी कि तुम मुझे भाई को कुछ नहीं बोलोगे। हम कसम निभाएंगे। मुझे तुम दोनों से एक और वादा चाहिए। तुम दोनों को मेरा एक आखिरी काम करना होगा। क्या?